नेक्स्ट है फैराडेज लॉ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो करंट पैदा हुआ उसकी वैल्यू भी तो निकालनी होगी, उसकी वैल्यू निकालने के लिए और ये कैसे इस कब करंट जनरेट होगा, पैदा होगा या नहीं होगा, ये देखने के लिए फैराडेज के लॉ बनाए गए। फैराडेज ने लॉ बनाए रादर, फैराडे ने, ये बहुत फेमस कहानी है कि ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी बिजली की, ये कोई सोच के नहीं पैदा की गई थी आज इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे और डैम बनाएंगे। तो फैराडे गैल्वेनोमीटर के साथ काम कर रहा था, इलेक्ट्रिसिटी के साथ एक लूप पड़ी हुई थी और गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था, कोई बैटरी लगी नहीं हुई थी और एक्सीडेंट देखो इन्हीं के साथ होते हैं, शेल्फ से मैग्नेट गिर गई लूप के अंदर और जैसे ही मैग्नेट गिरी डिफ्लेक्शन शो हो गई। तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि ये चक्कर क्या है, करंट कैसे पैदा हो रहा है। तो फिर उसने इसके ऊपर काम किया और पता लगा कि यहाँ पर जब फ्लक्स चेंज होता है किसी भी लूप का तो करंट पैदा होता है, उसने लॉस बनाए। तो बेसिकली काम तो कुछ और कर रहा था लेकिन हो कुछ और गया इसमें। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है, फैराडे का फर्स्ट लॉ, व्हेन एवर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट चेंजेस, अंडरलाइन कर लो वर्ड चेंजेस, उसने बिल्कुल नहीं कहा फ्लक्स इंक्रीजेस या डिक्रीजेस, उसने कहा चेंजेस, और ये अंडरलाइन करो EMF इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट, उसने बिल्कुल नहीं कहा करंट पैदा होगा, उसने कहा EMF पैदा होगी, तो EMF जनरेट हो जाएगी उस सर्किट में। और जब तक तुम फ्लक्स चेंज करते रहोगे EMF जनरेट होती रहेगी, तुम फ्लक्स चेंज करना बंद कर दोगे EMF जनरेट नहीं होगी। इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। इमेजिन करो आपके पास ये एक लूप है, कुछ नहीं इसमें, कोई करंट नहीं है, सिंपल एक लूप है। इमेजिन करो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, रूम में मैग्नेटिक फील्ड है, कॉन्स्टेंट है, इस तरफ है, और इमेजिन करो कि कुछ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इसमें क्रॉस कर रही हैं। तो कुछ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जब इसमें क्रॉस करेंगी तो इसका कुछ फ्लक्स भी होगा। अब जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, बी ए कॉस जीरो, कुछ तो होगा जब लाइन्स क्रॉस कर रही हैं परपेंडिकुलरली। मान लो एक मिनट के लिए फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पर 100 है, फ्लक्स 100 है। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने इसमें इसको टर्न करवाया, घुमाना शुरू किया ऐसे, तो फ्लक्स देखो क्या हुआ, 100, 90, 80, 70, 60 करते करते क्या हो गया, जीरो। ये लाइंस को परपेंडिकुलर पास करना था तो फ्लक्स मैंने 100 से क्या कर दिया, जीरो, तो मैंने फ्लक्स को डिक्रीज कर दिया। फिर मैंने क्या किया, लूप को फिर घुमाया, अभी जीरो फ्लक्स है, इंक्रीज 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 इंक्रीज, फ्लक्स वापस से क्या हो गया, 100। तो अब चेक कर रहे हो 100 से क्या हो रहा है, जीरो, जीरो से क्या हो रहा है, 100, फ्लक्स क्या हो रहा है, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ फ्लक्स इसमें चेंज हो रहा है। तो फ्लक्स इसमें चेंज हो रहा है क्योंकि देखो ना एरिया वेक्टर बी के साथ एंगल भी चेंज करेगा, तो जब आप कॉन्टिन्यूसली इसे घुमाएंगे तो फ्लक्स चेंज होता जा रहा है, और फैराडे का लॉ बोलता है जब तक इसमें फ्लक्स चेंज होता जा रहा है इसमें करंट पैदा होता रहेगा, और अगर तुमने इसको रोक लिया अब फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, चेंज नहीं हो रहा, चाहे बढ़ाओ चाहे कम करो चेंज नहीं हो रहा, इसमें करंट पैदा होना बंद हो जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है, ना इसमें EMF होगी ना इसमें करंट होगा, कोई डाउट इसमें। फ्लक्स होता क्या है, बी ए कॉस फाई। तुम ऐसा भी कर सकते हो, इसमें करंट पैदा करने के लिए तुम्हें फ्लक्स चेंज करना है ना, और फ्लक्स क्या होता है, बी ए कॉस फाई। अभी जब मैं लूप को घुमा रहा हूँ मैं क्या चीज़ चेंज कर रहा हूँ, बी चेंज कर रहा हूँ, हाँ या ना, ना बी तो कांस्टेंट है। एरिया चेंज कर रहा हूँ, बड़ा छोटा कर रहा हूँ कोई, ना। फिर क्या चीज़ चेंज कर रहा हूँ, एंगल, क्योंकि एरिया वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, चेंज। तो मैं एंगल चेंज कर रहा हूँ तो मेरा फ्लक्स चेंज हो रहा है। कोई स्टूडेंट आया वो कहता अच्छा फ्लक्स चेंज करेंगे तो इसमें करंट पैदा होगा, मैंने कहा बिल्कुल होगा। वो कहता ऐसा होगा, ये लो मैं इसको मूव नहीं करवाता, छोड़ दो, और मेरे पास एक ऐसी मशीन है जो इस रूम में मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा सकती है 10 टेस्ला से, 100 टेस्ला से, 10 टेस्ला से, 1000 टेस्ला से, 2 टेस्ला, तो क्या इसमें करंट पैदा हो जाएगा। फ्लक्स क्या होता है, बी ए कॉस फाई। इस बार मैं क्या चीज़ चेंज कर रहा हूँ रूम में, बी। जब मैं बी चेंज करूँगा फ्लक्स चेंज होगा, होगा फाई इज बी ए कॉस फाई, और अगर फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें अपने आप करंट पैदा होगा, जरूर होगा। उसने ये नहीं कहा फैराडे ने कि तुम इसको लूप को ही घुमाओगे तभी करंट पैदा होगा, उसने कहा जी फ्लक्स चेंज कर दो।
तुम पड़े हुए टेबल पे पड़ी हुई लूप है, तुम जादू से कैसे भी मशीन से इसका चाहे बी चेंज करके इसका फ्लक्स चेंज कर दो, करंट पैदा हो जाएगा इसमें। कोई कहता अच्छा ठीक है ना, मैं बी चेंज करता ना, मैं इसको घुमाऊंगा, मैं इस लूप को जादू से कभी एरिया बड़ा कभी एरिया छोटा कर देता हूं, तो अब करंट पैदा होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि फ्लक्स इज बी ए कॉस फाई। कुछ भी चेंज होगा, अगर फ्लक्स किसी भी तरीके से चेंज हो गया, इसके अंदर करंट पैदा हो जाएगा। फिर कोई कहता है तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, मैंने कहा कैसे? वो कहता है यार बंदे को मारने के लिए बंदूक की जरूरत क्या है, एक ऐसी मशीन बना लेते हैं जो ज़बरदस्त मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर दे रूम में, तो मेरे को उससे क्या होगा? कहता अगर बेंच पर लोहे के बेंच पर बैठा होगा और मैं रूम का बी चेंज कर गया तो लोहे का फ्लक्स चेंज हो गया, उस बंदे को करंट लगेगा, बिल्कुल 100% लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो पूरे इस रूम में जितने भी कंडक्टर्स और मेटल्स हैं उसमें करंट पैदा हो जाएगा, अपने आप पैदा हो जाएगा, अगर तुम बी को क्या कर दो, चेंज कर दो, चाहे बढ़ा दो चाहे कम कर दो। तुम अगर मशीन है तुम्हारे पास, तुम बी को एकदम ज्यादा कम कर सकते हो तो तुम्हारे यहां करंट जनरेट होंगे, पक्का होंगे, है कि नहीं कमाल? तो ये है फैराडेज फर्स्ट लॉ। और तब तक जब तक तुम बी को चेंज करते रहोगे तब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा और तब तक करंट पैदा होता रहेगा। लेकिन अगर तुम कुछ चीज चेंज नहीं करोगे, फ्लक्स सेम है, तो फिर कुछ ना होगा, कोई करंट पैदा नहीं हो सकता। तो इसमें एग्जांपल लिया हुआ है, जब एक मैग्नेट को, एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, एक ये क्वाइल है, एक बार मैग्नेट को इसके पास लेके आ रहा हूँ, जब बार मैग्नेट इसके पास आएगी, मान लो नॉर्थ पोल पास आ रहा है, तो नॉर्थ पोल से लाइंस निकलती हैं, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से भी जाएंगी, और जब जाएंगी तो इसका फ्लक्स बढ़ेगा, जब मैग्नेट पास आएगी इसका फ्लक्स बढ़ेगा, तो ये क्या करेगा, अपने अंदर करंट पैदा करेगा। वही तो फैराडेज का जो एक्सीडेंटल डिस्कवरी है, लूप पड़ा हुआ था शेल से, मैग्नेट तो गिरा था और देखो किस्मत मैग्नेट इसमें से निकल गया, तो जैसे ही वो मैग्नेट आया इसके अंदर करंट पैदा हुआ, गैल्वेनोमीटर रीडिंग शो कर दी, और जब मैग्नेट दूर गिरा तब भी करंट पैदा हुआ, क्योंकि फैराडे ने ये नहीं कहा कि फ्लक्स बढ़े या कम हो, उसने कहा चेंज जरूरी है, तुम्हारा फ्लक्स मैग्नेट आने से बढ़ रहा है करंट पैदा होगा, मैग्नेट दूर जाने से घट रहा है तो भी करंट पैदा होगा। तो तुम कहोगे कि ये फिर करंट में फर्क क्या होगा, फर्क ये होगा अगर मैग्नेट के पास आने से करंट क्लॉकवाइज है तो दूर जाने से एंटी क्लॉकवाइज जरूर हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज करेगा पर करंट तो पैदा होगा। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ क्लियर है, तो फैराडे का फर्स्ट लॉ का एग्जांपल भी क्लियर है, जब एक मैग्नेट को कॉइल की तरफ लेके आएंगे तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स लिंक्ड विद द कॉइल इंक्रीजेस, ज्यादा लाइंस क्रॉस करेंगे उस लूप के अंदर, और जब दूर लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीजेस, दोनों केस में करंट प्रोड्यूस होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक?